ऐसा कुछ नहीं है। तो तब तक धरती पर भगवान का अवतार हुआ, बड़ी सुंदर कथा अवतार की आप सभी लोग सुन रहे थे, तो आइए हम भी थोड़ा भाव जोड़ रहे हैं इसी कथानक में। लेकिन उससे पहले मंच की मर्यादा का निर्वहन पालन करें और हम आप सभी लोग अपने अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि के लिए परमात्मा का संकीर्तन नितांत आवश्यक है। तुलसी अपने राम को रीझ भजू चाहे खीज, खेत पड़े बिया जान में है उल्टा सीधा। किसान जब बीज बोता है खेत में, भैया आप लोग सब जानते हो, धान गेहूं मटर मसूर चना जब आप खेत में बोते हो कि मुट्ठी भर के फेंकते हो, तो जो बीज खेत में गया है वो जरूर उगेगा, जमेगा, वो फसल आपको जरूर मिलेगी। आपने चाहे उसको उल्टा बोया हो चाहे सीधा बोया हो, सुनिएगा बात, आपने जो बोया है खेत में तो आपको फसल जरूर मिलेगी, फल आपको जरूर मिलेगा, भले ही आप चाहे उल्टा बोए हो या सीधा बोए हो, फल मिलेगा। वैसे प्यारा ये भगवान का नाम है राम। राम को यदि जीवन में अपने बोया है, माने इस मानव रूपी खेती में, अध्यात्म की चर्चा है ना लीजिएगा, इस मानव रूपी खेती में यदि परमात्मा के नाम के बीज को हमने बोया है तो उसका फल जरूर मिलेगा, पौधा जरूर उगेगा। अब चाहे राम राम बोला हो और चाहे मरा मरा बोला हो, बहुत लोग राम राम ना बोल पावे तो मरा मरा बोले, मरा मरा बोलो, ऐसे थोड़े बालन हो गए कि पूरी वाल्मीकि रामायण की रचना की, हम नहीं कहते, आप सब जानते हो भैया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। हो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो फल हम आप लोगों को जरूर मिलेगा। भाई को भाई अनक आलस हो और नाम जपत मंगल दिस दस हो, दसों दिशाओं में हमारा मंगल ही मंगल होगा। तो आइए हम आप सभी लोग प्रेम के साथ में बोलेंगे श्री राम। हो नाराम नाम लीन हो तूने भरी जवानी में, सबको बोलना है मेरी माताओं मेरे भाइयों। हो ना राम नाम लीन हो तूने भरी जवानी में, लोग कहते हैं भजन करेंगे बुढ़ापे में, जवानी में इतना समय कहाँ है, लेकिन बुढ़ापे में होगा क्या मेरी मैया मेरे भैया। आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला इस जिंदगानी में। पड़े पड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भजन करो जवानी में, बोलना चाहो तो बोलो, 4-6 घंटे बैठना चाहो तो बैठो, सुनना चाहो तो सुनो, और बुढ़ापे में सब बंद हो जाएगा। हाँ, और जो ना बोले उनके लिए क्या, वो डूब के मर जाए चुल्लो भर पानी। Oh,
दो। जिंदगी किसी की विरासत नहीं होती और मौत किसी की अमानत नहीं होती। जरा बचना ठाकुर की नैनों की कैद से, क्योंकि उसकी कैद से किसी की जमानत नहीं होती। इसलिए कांटा यो गाली में मिल जाए वो माटी में, एक दिन तेरी काया कस जाएगी पार्टी में। मर जाए सच्ची भक्ति है। क्या बात है ओ सुनर।